जय माता दी, जय माँ कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। इस चैनल के माध्यम से आप हिंदू सनातन धर्म के नियम सुनते हैं। जो महिलाएं और लड़कियां अपना बाल खुला करके मंदिर जाती है, देव दर्शन को जाती है, तीर्थ स्थान में दर्शन के लिए जाती है, उनके जीवन में क्लेश की उत्पत्ति होती है। ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्र में कि बाल खुले करना स्त्रियों के लिए अपशकुन होता है। जब महिला को कुछ भी क्लेश करना होता है, रौद्र रूप दिखाना होता है, तब वह बाल को खुले करके एक कोप भवन में बैठ जाती थी। बाल खुले करना अपशकुन की निशानी होती है। तो जो महिलाएं या जो लड़कियां बिना रबर बैंड के बाल खुले करके, बिना दुपट्टे के, बिना चुनरी के, खुले बाल से देव दर्शन करती है, मंदिर में जाती है, उनको देव दोष लगता है, यानी गुरु दोष लगता है। और महिलाओं को जब गुरु दोष लग जाता है तो उनका पारिवारिक जीवन, विशेष तौर से महिलाओं का पारिवारिक जीवन खराब हो जाता है और जीवन में क्लेश की उत्पत्ति होती है। अब क्लेश में इसलिए उत्पत्ति होती है क्लेश की, कि जब पति बीमार रहने लगता है, पति के पास धन की कमी होने लगती है, दरिद्रता आ जाती है, जिस काम को करते उस काम में नुकसान होने लगता है। किसकी वजह से? अपनी स्त्री की वजह से, क्योंकि वह देव दोष पालती है। अपने आप को सुंदर दिखाने के चक्कर में अपने पति की आय को कम करती है, पति की उम्र को कम करती है, पति को बीमारी देती है। किसी से भी पूछ लो, बड़े बुजुर्ग से, ज्योतिषी से, महिलाओं के केस में यदि उनका गुरु खराब होता है तो मान करके चलें उनका असर उसके पारिवारिक जीवन यानि पति पर पड़ता है। और जब पारिवारिक जीवन खराब हो जाएगा तो मान करके चले घर में क्लेश तो आएगी आएगी, दरिद्रता भी आएगी, दुर्भाग्य भी आता है। तो मेरा सभी माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि मंदिर जब भी जाएं तो सिर ढक करके जाना चाहिए। मंदिर में जब भी दर्शन करें, परिक्रमा करें, पल्लू सिर पर होना चाहिए, चुनरी सिर पर होना चाहिए। चाहे लड़की हो या कुंवारी लड़की हो, चाहे कन्या हो या फिर विवाहित स्त्री हो, अविवाहित स्त्री भी हो, तलाकशुदा भी हो सकती है, विधवा स्त्री भी हो सकती है, सभी स्त्रियों को बोला गया है कि अपना सिर ढक करके ही भगवान के सामने झुकना चाहिए। अन्यथा गुरु दोष जब लग जाता है और लगता रहता है तो मान करके चले उनके जीवन में पति को बीमारियां लगने लग जाती है। ऐसे ही सभी स्त्रियों के ऊपर लागू होता है कि जब भी किसी बड़े बुजुर्ग, गुरु, संत, त्यागी, तपस्वी इनके चरण स्पर्श करते हैं तो सिर ढक करके ही करना चाहिए, तो ही आशीर्वाद मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलता है। अब इतनी गहरी बातें कोई नहीं बोलता, और बोल दिया तो महिला एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती है। इतने सारे कथावाचक हैं, कोई ना कोई तो बोलता रहता है, पर उसकी बात कहाँ मानते हैं। सिर्फ पांडाल में जाके बैठना होता है, क्योंकि घर का कामकाज नहीं करना होता है। घूम फिर आएंगे, हंसी ठिठोली कर लेंगे, एक बात को नमक मिर्च लगा करके बढ़ा देंगे, ये काम करने के लिए जाती है। परंतु यूं नहीं कि जो कथावाचक बोल रहा है उसको एक कान से सुन के अपने सिर पे ही चिपका लो, ऐसा नहीं करती है।
तो जब भी मंदिर जाएं, बाल खुले करके नहीं जाना है, बाल को ढक करके जाना है। और भगवान के सामने जब भी झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग के सामने झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, चाहे वो माता हो, पिता हो, सास हो, ससुर हो, या किसी के भी सामने चरण स्पर्श करते हैं किसी के भी, तो सिर ढक करके ही चरण स्पर्श करना चाहिए। और आजकल की स्त्रियाँ जितनी आधुनिक होती जा रही है, उतना उनके जीवन में देव दोष लगता जा रहा है, क्लेश की उत्पत्ति होती जा रही है, दरिद्रता आएगी ही आएगी और दुर्भाग्य की उत्पत्ति हो जाती है। और फिर कहती है हमें बीमारियां लग गई, हमारे पति देव को ये बीमारी लग गई है, आज हॉस्पिटल में एडमिट है, आज वहाँ झड़वाने जाना है, 10 तरीके की बातें करेंगे। जय माता दी, जय माँ का मक्खिया।